हेलो दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ अपने चैनल विशाल बरसाना में। और जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोग वृंदावन के अंदर हैं और अभी क्या है, मैं आपको लेके आया हूँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। यहाँ पे क्या है, हमको परम पूज्य महाराज अनुराचार्य जी मिलेंगे, तो उनसे हम लोग देखो मुलाकात करते हैं। आज हम यहाँ के जो इनका आश्रम है, तो उसका व्यू सारा अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि लोगों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका संपूर्ण व्यू अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के चारा मिल कर दें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। तो दोस्तों, हम लोग आए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भक्तगण हैं, क्योंकि जो कि मंदिर पे यहाँ पे एक मंदिर है, तो उसके दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। तो हम लोग अभी दर्शन करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करा दें। और ये क्या आप देख रहे हो, यहाँ के जो महंत जो गुरु हैं परम पूज्य अनुराचार्य जी, यहाँ पर बैठ के लोगों को प्रवचन देते हैं। और ये तो दोस्तों काफ़ी यहाँ पे हम लोग भगवान श्री केंद्र जी के दर्शन कराएंगे आपको, देख सकते हैं। तो मैं हूँ अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के अंदर, और यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो माताओं की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहने की, और पूरा एक जैसे हम फ्लैट के जरिए उस तरीके से हम लोग रहते हैं, पूरा सुरक्षित उस तरीके से बनाया हुआ है, देख सकते हो पूरा मुझे। और अभी क्या है, हम लोग यहाँ के जो माता हैं उनसे बात करेंगे, तो उनसे पूछेंगे यहाँ पे किस तरीके का आनंद उनको मिलता है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ के अनुराचार्य जो गुरु जी हैं, जिनके इस आश्रम की देखभाल कर रहे हैं, और उस तरीके को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही, अच्छे से रहते हैं, उस सारी जानकारी हम लोग अभी माताओं से मिलेंगे और अपने चल के माध्यम से आपको देंगे। तो दोस्तों, हम लोग हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के अंदर, जो कि अनुराचार्य जी इस आश्रम की देखभाल करते हैं और उन्हीं की देखरेख में आश्रम चलाया जा रहा है। तो अभी हम इसी आश्रम के अंदर आए हुए हैं, और कुछ माताएं हैं यहाँ पे, तो एक माता हैं, तो उनसे यहाँ के आश्रम का जो अनुभव है, यहाँ पे जो रहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं अभी। तो माता राधे राधे। तो मैया, यहाँ पे आप रहते हो, तो यहाँ पे अनुराचार्य जी की थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि यहाँ पे रहने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, कि हमारे जो कहते हैं रोजमर्रा का सारा सामान है, यहाँ पे जो सारी चीज़ सुविधा कराई जाती हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जैसे जो अनुराचार्य गुरु जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। हमको यहाँ पे सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, सुबह 5 बजे चाय आती है, 8 बजे फल आता है, नाश्ता आता है, 12 बजे भोजन आता है, और शाम को 4 बजे चाय आती है, 7 बजे भोजन आता है, 8 बजे मेवा का दूध आता है। हमें किसी बात की परेशानी नहीं है, सर्फ साबुन तेल सब हमें आता है, कपड़ा कपड़ा सभी चीज़ें हैं, तो किसी प्रकार की किसी प्रकार की दवाइयाँ किसी प्रकार की भी मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, माता मैया बता रही हैं कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा से लेकर उनकी जो रोजमर्रा की सभी सामान है वो सुलभ कराए जाते हैं, और रहने की आप देख रहे हो, एक बार दिखाइए भाई, यहाँ पूरा बेड वगैरह से लेकर सारी व्यवस्था बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो पूरे खाने पीने से लेकर की अनुराचार्य जी के कपड़ा पहनने से लेकर की सारी चीज़ें सुलभ कराई जाती हैं। तो मैया, इसी का कोई कास्ट चार्ज वगैरह तो नहीं लगता? कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब गुरु जी की कृपा से है, और भगवान उनको दिन दुगना रात चौगना दे। हम तो करिए देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं उनके सत्संग सुनते हैं, बस बाके बिहारी है वो हमारे लिए प्राण प्यारे। तो दोस्तों, देख रहे हो कि कुछ जो कहते हैं, ये भी एक भगवान का आविष्कार इनको बोल सकते हैं, जो कि आज यहाँ पे माताओं की जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने, जो गौरी गोपाल आश्रम जो खोला हुआ है। तो आप देख रहे हो मैया कितने आनंद से रह रहे हैं, बहुत तो खुश है। यहाँ पे जो कहना, अपने घर के जो बहुत सारे जो गृह क्लेश होते हैं, उन सबसे छुटका पा के यहाँ पे मैया रह रही हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है, काफी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे देखो, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी एक मैया है, मैया राधे राधे। तो मैया आपकी तो काफी एज हो गई होगी, कितनी उम्र हो गई होगी लगभग? 90। तो 90+ हो गई, आप देख रहे हो कि फिर भी आप देख सकते हो मैया को किसी प्रकार की, इनके चेहरे से, इनके चेहरे की मुस्कान से पता लग सकते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये है, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल विशाल बरसाना के माध्यम से गौरी गोपाल आश्रम, जो कि वृंदावन के अंदर है, उसका मैं आपको व्यू करा रहा हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आपको आकर के, काफ़ी हम लोगों की भी खुशी हो रही है कि इस तरीके के जो अनुराचार्य जी आश्रम चला रहे हैं, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि इस आश्रम के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करें अपनी तरफ से। तो भाई, जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सके यहाँ पे आए, और जितना भी हो सके आप लोगों से गुरुजी के चरणों में जितना हो सके इस आश्रम के लिए योगदान देने की कृपा करें। तो दोस्तों, ये जो अनुराचार्य जी चला रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा आश्रम है, मैंने देखा 2-3 फ्लोर है इसके अंदर, और जो माताएं रह रही हैं बड़े ही खुश और शांति तरीके से रह रही हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई किसी को भी कोई समस्या नहीं है किसी को भी। अनुरोध को तो माताएं खूब आशीर्वाद देती है, खूब दुआएं देंगी, दूध रात चौगने फलो,
हाँ उनके सत्संग हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे इस तरीके से बात करते हैं कि हम लोगों को इतना खुश रखते हैं कुछ कहने के अपने, रोज चरण धाते हैं, रोज मिलने आते हैं, डेली आते हैं 9 बजे। तो देख तो देख सकते हो यानी कि इतने बड़े महंत, इतने बड़े आचार्य भैया बोल रहे हैं कि खुद यहाँ पे उनके चरण दबाने के लिए आते हैं शाम के टाइम में, सुबह जब भी इनको टाइम मिलता है उस हिसाब से यहाँ पे आते हैं और माताओं की सेवा करते हैं। तो ऐसे आचार्य जी को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे। ये भी माता है, आप देखते हुए ये माता है, ये भी आई हुई है। तो भैया किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? जितना बताएंगे उतना कम पड़ेगा, जितना मतलब बोल रही है जितना बताएंगे उतना कम है, बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल उस चीज को बयान भी नहीं कर सकते। जिस सुख का आनंद इनको यहाँ पे हो रहा है, घर में भी नहीं है, घर में भी नहीं, यानी कि रुपया पैसा ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जो आनंद होता है ना, तो हमें जहाँ माताओं से तो कुछ लेते नहीं बेटा। बताओ किस तरीके से माताओं की वो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके के ऐसे जो आश्रम है, तो मैं चाहता हूँ सभी को बढ़ावा दिया जाए। और आप लोग जो मंदिरों में जो वहाँ पे लाखों रुपए का दान देते हो, तो इस तरीके के आश्रम में थोड़ा सा अपना सहयोग दे के माताओं इस तरीके का थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माताओं से महाराज को आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आशीर्वाद, वो आशीर्वाद लेने आते हैं।